वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, अन्य उद्योगों और प्रत्येक राष्ट्रीय गतिविधि की भांति समाचार पत्रों को भी समय समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनना होता है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया, जिसे राष्ट्र प्रशंसा की भावना के साथ सदा स्मरण रखेगा। देश के स्वाधीन होने के बाद से समाचार पत्रों के दायित्व में मौलिक परिवर्तन हुआ है। देश से विदेशी सत्ता के जाते ही शासन तंत्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। यह स्वाभाविक था कि इस परिवर्तन के बाद सभी समाचार पत्र अथवा उनमें से अधिकांश अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। इन 9 वर्षों में अधिकांश पत्रों ने इस दायित्व को सुचारू रूप से निभाया है। मैं यह प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ कि पत्रों ने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सरकार का समर्थन कर उसका बल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जब कभी विचार स्वातंत्र्य और सच्चे मतभेद की मांग हुई तो पत्रों ने आलोचना का आश्रय भी लिया। किसी भी पत्र का मूल्य अंततोगत्वा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसके निर्भीक और निष्पक्ष विचारों के आधार पर ही आंका जा सकता है। मैं समझता हूँ एक साधारण पाठक की दृष्टि में आदर्श समाचार पत्र वही है जो निष्पक्षता तथा निर्भीकता से सभी उचित बातों का समर्थन करे और प्रत्येक अनुचित कार्यवाही की निंदा करे। ऐसे देश में जहाँ विचार स्वातंत्र्य की पूर्ण व्यवस्था है, समाचार पत्र ही अपने निष्पक्ष तथा वस्तुगत मूल्यांकन से जनता का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। यह काम उतना ही आवश्यक है जितना जनसाधारण में संवादों का प्रसार करना। भारत में समाचार पत्र उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस काल में पत्रों ने बहुत प्रगति की है और शक्ति तथा यश का उपार्जन किया है, किंतु जब हम भारतीय पत्रों की दूसरे प्रगतिशील देशों के पत्रों से तुलना करते हैं तो हम बहुत सी बातों में, विशेषकर प्रकाशन संख्या की दृष्टि से, अपने पत्रों को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। लघु प्रकाशन संख्या का प्रमुख कारण हमारे देश में साक्षरता का भारी अभाव है। यह हर्ष का विषय है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकाशन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और देर सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकाशन संख्या से तुलना की जा सकेगी। यह कहना असंगत न होगा कि समाचार पत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ
भिन्न हैं। वास्तव में इस उद्योग और दूसरे उद्योगों में यदि कोई सामान्य बात है तो यही कि दोनों ही की गणना उद्योगों में होती है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद हैं। किसी भी उद्योग पर राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र के लोगों के विचार, उनके लक्ष्य तथा महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने का इतना भारी उत्तरदायित्व नहीं जितना समाचार पत्र उद्योग पर है। पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंभ में एक साधारण प्रचार कार्य के रूप में हुआ। उस समय यह कार्य आर्थिक लाभ से ऊपर था। धीरे धीरे जैसे पत्रों के पाठकों तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्ञापन का माध्यम माने जाने लगे। स्टॉप।